Hi guys, I'm here with objective type question. These questions are related to English language and communication skill part BA BSc part 3. And so dear friends, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पसंद आए तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए. इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वो चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, सभी में डुअल डायरेक्ट के रूप में पूछे जाते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. फर्स्ट में लिखा हुआ ही डोंट लाइक पिज्जा, फर्स्ट लिखा हुआ ही डोंट लाइक पिज्जा, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सी लिखा हुआ दे डजेंट, क्योंकि ही के साथ डोंट नहीं लगाते हैं, दे के साथ डजेंट नहीं लगाते हैं, और आई के साथ भी डजेंट नहीं लगाते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि सी डजेंट लाइक पिज्जा. दिस इज अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट सेंटेंस. जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है हम उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं. आई यू बी दे के साथ डू नॉट, और ही सी इट नेम के साथ डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगते हैं. सो पार्ट बी इज करेक्ट, सी डजेंट लाइक पिज्जा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्वेश्चन लिखा हुआ है द कैट ऑन द कैट इज डैश ऑन द मैट. यहाँ पे मैट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है द कैट इज मतलब ऑन द मैट. तो यहाँ पे लिखा है इज लेइंग, दूसरा लिखा है इज लाइंग, ऑप्शन सी है लेड, और ऑप्शन डी है लेज. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लाई जो होता है, लाई मतलब पड़ी हुई है, लेटी हुई है, मैं आईएनजी लगा देंगे तो लाइंग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड यस, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है. तो आई लाइक कॉफी, सेकंड सी रैन टू द स्टोर, ऑप्शन सी द कैट म्यूड एंड द डॉग बार्क्ड, बी वेंट फॉर ए पिकनिक. सो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी हम एंड और इन सब से सेंटेंस जोड़ करके दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है. सो हियर वी कैन से ऑप्शन सी, सी को एंड से जोड़ करके कंपाउंड बनाया गया है. द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गुड. गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होते हैं. तो डियर फ्रेंड, एडजेक्टिव के तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव. सो जो है पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपरेटिव, तो गुड पॉजिटिव डिग्री है इसकी, बेटर कंपरेटिव होती है, और बेस्ट जो होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, विच सेंटेंस कंटेंस अ रिलेटिव प्रोनाउन. विच सेंटेंस कंटेंस अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है. तो रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी डब्ल्यू वर्ड पर्ट होते हैं, जैसे वर्ड, विच, वैन, वाय, इन सबको जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे द बॉय इज टॉल, इसमें तो बिल्कुल भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है. सेकंड लिखा है दिस इज द हाउस, इसमें भी नहीं है. द डॉग दैट बार्क्स इज माइन, और सी रन फास्ट. तो यहाँ पे जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है. द डॉग दैट बार्क इज माइन, यानी कि जो कुत्ता है, कुत्ता जो भौंक रहा है मेरा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द करेक्ट कंपरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बिग. तो कंपरेटिव, जब हमने बताया आपको, पहले भी बताया है कि जब किसी शब्द के लास्ट में
कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले कोई वॉवल हो तो हम अंतिम वाले अक्षर को डबल करके ई आर लगा करके कंपरेटिव और ई एस टी लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ बिग, बिगर और बिगेस्ट, तो द करेक्ट आंसर इज बिगर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिगर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, बी आई डबल जी ई आर होना चाहिए। व्हाट इज द कंपरेटिव, तो ये जो बी नंबर पे लिखा है बी आई डबल जी ई आर होना चाहिए इसमें, बी आई डबल जी ई और आर, बिगर, बिगर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी में डबल जी होना चाहिए तब ये सही होगा, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर सेवन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी स्पीक सॉफ्टली। सो डियर फ्रेंड, जनरली हम जिन शब्दों में एल वाई लगा देते हैं वो उसके जो जो होते हैं वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सॉफ्टली जो लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी का सॉफ्टली, सॉफ्टली। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। सो डियर फ्रेंड, दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट जिसके अंतर्गत द आता है और दूसरा होता है इनडेफिनिट जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। सो विच वन इज द इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन जो होगा, ए और सी, ए एन और ए और एन जो होगा वो करेक्ट आंसर है इसका। ए भी होगा और एन भी होगा, एन और ए, सो वी कैन से ए एंड सी, ए एंड सी। फिर व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गूज, गूज का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, गीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन, दिस बुक बिलोंग्स टू, जब हम बिलोंग्स टू करते हैं तो यहाँ पे मी, दिस बुक इज बिलोंग टू अस, यानी कि किताब हमारी है। इस प्रकार से दीज आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दीज क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर सिलेबस। सो इसी प्रकार के 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, यस यू कैन रिवाइज दिस, फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, सी डजेंट लाइक पिज्जा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड अ कैट इज लाइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सी। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, बेस्ट। और विच सेंटेंस ए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी। व्हाट इज द करेक्ट कंपरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, बिगर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सॉफ्टली, which of the following is indefinite article, so a or an both, and question number 9, what is the correct plural form of the goose, so geese, and choose the correct possessive pronoun, so us. So dear friends, these are 10 important questions. Isi prakar ke questions ke liye please like share and subscribe Pankaj Institute of English. Thank you for watching this video.